अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए दिन के साथ नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो ये व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम ऑटो में हैं और हम जा रहे हैं एक जगह। आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे सो आपने उसमें कमेंट्स रीड किया होगा ऑफकोर्स, बिकॉज मुझे तो कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप सबकी। सो उसमें एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप अलबैग पर जाइए जो कि मासूमा का न्यूली ओपन है। सो हेयर वी केम, और अलबैग पे आज मैं और अम्मी आए हैं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी चलते हैं हम अंदर और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो साथ बनी रहिए और हमारे साथ इस वीडियो में इंजॉय करिए। अच्छा जी, सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अभी एंटर किया और एंटर करते ही साथ इतनी अच्छी वाइब्स है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी आप ही बताओ कि यहाँ पर आना कौन नहीं पसंद करेगा, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी में बैठकर अपना मील को एंजॉय करना। बाय द वे हम लोग बैठने वाले अभी अंदर मैं और अम्मी, बिकॉज वहाँ पर एसी है और अभी क्लाइमेट इतना ज़्यादा कूल नहीं है क्योंकि बारिश प्रॉपर हो नहीं रही है। सो हम लोग बैठेंगे अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका आपको मेन्यू भी दिख जाएगा इधर पर, कि आप यहाँ पर इनको ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो। यहाँ पर इनके अबव आपको नंबर भी दिख जाएंगे एंड 350 के ऑर्डर्स पर इनकी फ्री डिलीवरी भी आपको मिल जाएंगी विद इन 2.5 किलोमीटर एरिए में। सो ये भी एक अच्छी डील है, आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद हम देखते हैं, अभी हम अंदर जाते हैं, इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, अगर आप आ रहे हैं फैमिली के साथ और आपको अगर ऐसा खुले में बैठना है, ढाबा स्टाइल कुछ ऐसा चाहिए, तो आप यहाँ पर बाहर भी बैठ सकते हो, एकदम ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चेयर्स वगैरह भी अच्छे से लगी और अंदर एयर कंडीशनर भी है। सो हम प्रेफर कर रहे हैं एयर कंडीशनर में बैठना है, एज़ यू कैन सी दिस एकदम अच्छा ये चिल था बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनर, और ज़्यादा एकदम क्राउड भी नहीं था जब हम वहाँ पर गए थे, और बाद में एक्चुअली क्राउड होना स्टार्ट हुआ था, वो टाइम पर नहीं था। एंड ये रहा मेन्यू कार्ड, लेट मी शो यू अ क्विक मेन्यू कार्ड ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि इनके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है और साथ साथ इनके यहाँ पर रेट्स क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से जूम इन करके भी देख सकते हो। अच्छा जी, सो जब तक आप मेन्यू कार्ड देखिए हम दे देते हैं अपना ऑर्डर। और हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इनकी डिश भी रीजनेबल है, एकदम ज़्यादा ओवर रेटेड नहीं है, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। फ्रेंड्स के साथ भी आप आओगे तो ये वर्थ इट होगा आना ऑफकोर्स। सो हमने ऑर्डर किया है अभी ये फ्रेंच फ्राइज़, एज यू कैन सी दिस। और अगर मेन्यू कार्ड में फ्रेंच फ्राइज़ हो और मैं ना ऑर्डर करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज टू मी फ्रेंच फ्राइज़ इज़ अ डिफरेंट फीलिंग, यू नो, बिकॉज इसमें स्टार्च भी ये लोग का निकल जाता है और इतनी ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती। असल में ये मेरे लिए एलर्जेटिक है, बट विदाउट स्टार्च खाना इतना ज़्यादा एलर्जेटिक नहीं होता, इसलिए मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। अगर किसी को पोटैटो से एलर्जी होगी तो वो ये ट्राई कर सकते हैं विदाउट स्टार्च वाली। ओके, अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसी है। अमेजिंग, ऊपर से एकदम क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अच्छा जी, सो अभी आ गए हमारा चिकन क्रिस्पी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है ये। ओके, जोक सफाए। सो या हमें ये ऑर्डर करने के लिए रिकमेंड किया था एक्चुअली इनके स्टाफ ने, वो लोग कह रहे थे कि आप ये ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था चिकन क्रिस्पी इनका, और आप लोग को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था सच में। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, उनके स्टाफ से हमें पूछना चाहिए पहले कि हम क्या ऑर्डर करें, उसके बाद ही ऑर्डर करना चाहिए, बिकॉज वो लोग एकदम एक परफेक्ट यू नो हमें आइडिया देते हैं। क्योंकि हम भी तो चिल आउट करने के लिए गए होते हैं वहाँ पर, कुछ कुछ प्लेस हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती है। अभी मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम विज़िट कर रही हूँ जब से ये ओपन हुआ है, और सेकेंड टाइम मैं अभी इसलिए विज़िट कर रही हूँ बिकॉज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, एज़ आई सेड यू बिफोर। अच्छा जी, सो बात कर लेते हैं अभी इसकी क्वांटिटी की। सो इसमें फुल और हाफ का कुछ नहीं होता, ये फुल ही आता है, सिर्फ एक ही क्वांटिटी थी इसकी, और ये 3 पर्सन के हिसाब से इनफ था। बट अभी हमने शूट करना था, इसके लिए हमने दूसरी दूसरी चीज़ें भी ट्राई करनी थी, इसके लिए हमने इसको फुल फिनिश नहीं किया। जो भी डिश में एक्स्ट्रा होता है उसको आप वेस्ट मत करो, जाते जाते रास्ते में बहुत सारे नीडी लोग होते हैं, आप उनको दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, ज़रूरतमंदों के पास पहुंचा देनी है। अच्छा जी, सो ये आ गया हमारा अलबैग स्पेशल चिकन बोनलेस स्ट्रिप, आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल ही जूसी था।
इन दिस दे हैव टू क्वांटिटीज, इन हाफ दे हैव 3 पीसेस, इन फुल दे हैव 6 पीसेस। अच्छा जी, सो ये था अलबैक स्पेशल जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज था। एंड यस, द चिकन क्रिस्पी इज़ मस्ट रिकमेंडेड, वॉज सो फ्लेवरफुल यू नो। एंड गाइज, सी कितने क्यूट क्यूट से बेबी यहाँ पर हैं, तीनों इतने छोटे छोटे से और फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं अभी, सो क्यूट माशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी वी हैव आर डेजर्ट राइट हेयर एंड दिस इज़ नेम एज ट्रिपल चॉकलेट वफ़ल्स, जो कि इनका दो तरीके का आता है। जो एक हमने ऑर्डर किया है ये डबल स्कूप आइसक्रीम के साथ आएगा, वन इज़ चॉकलेट एंड अनदर वन इज़ वनीला। एंड इसका जो प्लेन होता है उसमें चॉकलेट सिर्फ आती है, डबल स्कूप आइसक्रीम नहीं आएंगे। सो हमने आइसक्रीम वाला ऑर्डर किया था और आप अभी देखेंगे यहाँ पर कितना ज़्यादा मुझे ट्रबल हो रहा है इसको ऐसा उठाने में स्पून में, बिकॉज़ ये एकदम ज़्यादा हॉट था और आइसक्रीम लिटरली इसके ऊपर मेल्ट हो रही थी वफ़ल के ऊपर। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप जा रहे हो तो डिज़र्ट में ये वाला ज़रूर लेना, ट्रिपल चॉकलेट वफ़ल्स, यू गोना लव इट। एंड आप देख सकते हैं अभी अम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो रहा है इसको उठाने में, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हॉट था। And then we ordered thumbs up. She was happy. और आप देख सकते हैं अभी क्राउड भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। थैंक यू। एंड हियर वी हैव आवर बिल विथ सम सॉफ्ट। सो देखते हैं अभी हमारी बिल कितनी आई है और आप लोग मुझे बताइए ज़रूर कि ये बिल वर्थ इट है या नहीं। सो हियर इज द बिल जो कि 950 आई थी। एंड आप लोग अभी मुझे बताइएगा कि ये वर्थ इट है या नहीं। मुझे तो ये बिल्कुल वर्थ इट लगा, एकदम फुल पैसा वसूल। अगर आपको भी ऐसा ही लगा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। देर आर सम कस्टमर सिटिंग नेक्स्ट टू अस और आप देख सकते हैं उन्होंने हमसे पूछा स्पेशली कि आप लोग ये डिज़र्ट में क्या खा रहे हो। सो हमने बताया कि ये ट्रिपल चॉकलेट वफ़ल्स है, तो उन्होंने कहा कि हम भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड येस, आफ्टर दे ट्राइड उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ये ऑर्डर किया था वही देख के हमने ऑर्डर किया और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डन विद आवर डिनर एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू होम। फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अम्मी के साथ आउटिंग करना, बाहर जाना और अम्मी को स्पेशल फील कराना। आप सब बताएं आपको अच्छा लगता है। और आप यहाँ की वाइब्स देख सकते हो और अंदर स्पेशली यहाँ पर बच्चों का प्लेग्राउंड भी है, दे हैव लॉट्स ऑफ फन हेयर। आप ज़रूर यहाँ पर बच्चों को लेकर आए अपने और उन्हें स्पेशल फील कराएं। और थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा फ्रेंड्स, आई वॉन्टेड टू शेयर यू समथिंग और वो ये कि एक ही लाइफ मिली आपको, उसमें इंजॉय करो, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अपने पेरेंट्स को खुश रखो, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। इफ़ यू आर मैरिड, अपने हस्बैंड को भी खुश रखो, उनकी फैमिली के साथ भी आप ज़रूर टाइम स्पेंड करो। और स्पेशली मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आई नो वी आर इन दिस जनरेशन जिसमें कि स्ट्रेस सबको बहुत ज़्यादा होता है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, पर यार रिलैक्स करो, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, एवरीथिंग गोना बी फाइन इंशाल्लाह। मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे एक गर्ल का डीएम आया था कि आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे रह सकती है, मतलब कैसे आप रहती हैं। सो मैं ये सब उनके लिए ही कह रही हूँ और उनके अलावा भी बहुत से लोग होंगे ऑफकोर्स। सो मैं उन सब के लिए ये मैसेज शेयर कर रही हूँ कि यार लाइफ में हैप्पी रहो, अपने आप को टाइम दो, कभी भी ऐसे आप निकल जाओ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बाहर निकलो, आउटिंग करो, आपका भी माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा और आप जब फ्रेश फील करोगे तो आप सामने वालों को भी पॉजिटिव एनर्जी दोगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड देखिए अभी बारिश होने लगी है और मैं बारिश को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा जी, सो अब हम करते हैं आपको अलविदा इस हसीन मौसम के साथ। आप भी हंसी खुशी रहिए अपनी लाइफ में और इन्जॉय कीजिए। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि व्लॉग आपको कैसा लगा। मुझे लिटरली आप सबकी कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।